मध्य प्रदेश के 29 के 29 परिणाम भाजपा के पक्ष में गए हैं। कांग्रेस के लिए बिल्कुल क्लीन स्वीप की स्थिति बन गई है। और सबसे रोचक बात ये रही कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भाजपा के प्रत्याशी शंकर ललवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के साथ नोटा ने सोटा चलाया है, नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शेफाली, ये माना जाता था कि वोट काटने का काम नोटा करेगा, 100, 200, 500, 1000, 2000 वोट काट लेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंदौर में 218,674 वोट नोटा पर डले हैं। और नोटा जो होता है वो कहीं ना कहीं जनता ये बताती है कि अब हमें कोई पसंद नहीं है, इसलिए हम नोटा पर बटन दबा रहे हैं। यकीनन किसी नेता पे भरोसा नहीं है या हमारी पसंद का कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि शंकर लालवानी बीजेपी के प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को टिकट दिया था। अक्षय कांति बम जिस दिन नाम वापसी की आखिरी तारीख थी उस दिन बीजेपी के नेताओं के साथ पहुंचते हैं, नाम वापस लेते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मतलब खुला मैदान मिलता है शंकर लालवानी को। बिल्कुल, भाजपा जिस तरीके से अपना शामिल कर रही थी, जिस तरीके से एक प्रत्याशी जो है वो लास्ट मोमेंट पर अपना फॉर्म कैंसिल करता है और बीजेपी में जाके शामिल हो जाता है, ये बात जनता के गले नहीं उतरती है। वो इस हरकत को पसंद नहीं करते हैं और नोटा का बटन दबा देते हैं। नोटा का बटन दबाने के लिए, चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इंदौर के लोगों से अपील की थी। इंदौर के लोग जो हैं वो तमाम रिकॉर्ड बनाने के आदी रहे हैं। आप देखें कि पिछले 5-7 बार से वो सफाई अभियान जब पूरे देश में चलता है और क्लीन सिटी की जब गणना होती है तो उसमें इंदौर अव्वल नंबर पर आता है। लगातार इंदौर साफ सफाई में, स्वच्छता में नंबर वन है। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बना दिया है। शंकर लालवानी जो हैं उनको 11,75,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं और एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। बिल्कुल, वहीं मैं आपको बता दूं, शंकर लालवानी ने 12,26,751 वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में होते तो उनको उनको वही वोट मिलता है जो नोटा को मिला, जो नोटा को मिला, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। हालांकि बाकी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने किसी ने भी लाख का आंकड़ा नहीं छुआ है। शंकर लालवानी को सर्वाधिक वोटों से मध्य प्रदेश में जीत मिली। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि ये जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो देश में सबसे बड़ी जीत उनकी होगी और देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद नोटा पे भी अभी तक इतने वोट कहीं नहीं पड़े होंगे, वो रिकॉर्ड भी इंदौर को हासिल हो जाएगा। 218,674 वोट नोटा पे गए, ऐसा देश में पहली बार हुआ है। और मुझे लगता है कि इंदौर भविष्य में और अच्छे रिकॉर्ड भी बनाएगा, लेकिन एक बार नेता पसंद ना आने का रिकॉर्ड भी इंदौर ने बना दिया है। बिल्कुल, आप अपनी नापसंद को कैसे जाहिर करें तो इंदौर वासियों से सीखें। अगर आपको पसंद नहीं है तो जाएं ईवीएम की मशीन पर, पार्टियों को छोड़ दें और नोटा पर बटन दबा दें। इससे साफ समझ आ जाता है कि जनता को नेता पसंद नहीं आ रहे। इंदौर ने नोटा का बटन दबाया और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। बाकी जगह क्या होता है इसका हाल हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए आप दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।